हेलो बच्चों बच्चों, अब हम करेंगे पॉलीगन एरिया फिलिंग के अंदर जो हमारा पहली अप्रोच चल रही थी सीड फिल एल्गोरिथम, यानी सीड फिल का कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अब हम पॉलीगन को फिल करने का दूसरा मेथड करेंगे सीड फिल के अंदर, जिसका नाम है फ्लड फिल एल्गोरिथम। इससे पहले हमने इसकी फर्स्ट अप्रोच की थी सीड फिल की, जिसका नाम था बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। तो भाई जो ये वीडियो डायरेक्टली देख रहा हो तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ना बाउंड्री फिल एल्गोरिथम की, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि सारे डायरेक्टली चीजें वहीं पे यूज होने वाली है। ठीक है जी, तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर फ्लड फिल पे आना। बात आती है फ्लड फिल एल्गोरिथम के अंदर, तो बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल में फर्क क्या है? देखो बाउंड्री फिल के अंदर क्या चीज थी मेरे पास, क्या कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। कि मुझे सपोज कर लो ये मेरा एक पॉलीगन है, ओके मुझे इसको फिल करना है। तो बाउंड्री फिल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई ये जो पॉलीगन है इसकी जो बाउंड्री है ये एक ही कलर की होगी, जो मर्जी कलर हो उसका, चाहे ब्लैक ले लो, रेड ले लो, काला पीला ले लो, हरा, जो मर्जी लेना ले लो, बट इसकी बाउंड्री का कलर एक ही रहेगा। ठीक है, तो हमने वो कॉन्सेप्ट किया था। बात आती है जब फ्लड फिल में, वो कहता है कि मान लो भाई कोई बंदा ज्यादा डिजाइनिस्ट बन रहा हो, ज्यादा इनोवेटिव हो, वो क्या कर दे इन केस कि वो ऐसे कुछ करने की प्लानिंग में हो, सपोज कर लो उसने कहा कि इसने कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया, मान लो ठीक है जी, इसको पर्पल से कर लिया थोड़ा सा बीच में निकाल के, इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर से पिंकिश कर दिया, इधर से पिंकिश कर दिया भाई, इधर से पिंकिश कर दिया, ठीक है जी, थोड़ा सा और उसको भाई डिजाइन का मूड कर रहा हो, इधर से रेड कर दिया, कहीं और से थोड़ा सा पोर्शन उसकी बाउंड्री का रेड कर दिया, और ज्यादा डिजाइनिस की बात आ जाए तो भाई मान लो उसने थोड़ा सा यहाँ से लाइट ग्रीन कर दिया, यहाँ से लाइट ग्रीन कर दिया भाई, अभी फिर भी नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, उसके मूड की बात, थोड़ा सा यहाँ से डार्क, थोड़ा यहाँ से डार्क, यहाँ से डार्क, यहाँ से डार्क। अब क्या हुआ, सारी बाउंड्री हमारी तो एक कलर की रही नहीं, तो मेरा बाउंड्री फिल एल्गोरिथम तो काम करेगा नहीं, तो अब क्या करें भाई इसको बताओ। तो फ्लड फिल ने कहा कि अगर आपके पास ऐसा पॉलीगन है जहां पे उसकी बाउंड्री मल्टी कलर है, एक से ज्यादा कलर की है, तब मेरे एल्गोरिथम को अपना लो। ठीक है, तो सारी चीजें वही है, सिर्फ कहता है कि मेरे एल्गोरिथम को अपना लो, वही 4 कनेक्टेड अप्रोच है, वही 8 कनेक्टेड अप्रोच है। अब फर्क क्या है, बाउंड्री फिल में हमने क्या चेक किया था, मान लो ये पिक्सल था, हम क्या दो चीजें चेक करते थे कि मुझे इसको ग्रीन से करना है, तो जो ग्रीन कलर, मतलब मुझे फिल किससे करना है, ग्रीन कलर से, क्या इस पिक्सल का कलर ग्रीन कलर है, फिल कलर ग्रीन है, नहीं, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या चेक करता था, क्या इस पिक्सल का कलर जो बाउंड्री का कलर है वो है, नहीं है, तो उसको फिल कर देता था ग्रीन से, या जो भी हम कलर बोलेंगे उससे। अब वो कहता है कि फ्लड फिल में तो ऐसा कर नहीं सकते, सपोज कर लो, मान लो कि इसको रेड से करना है, इस पिक्सल को रेड से करना है, तो बाउंड्री फिल वाला तो फेल हो जाएगा। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आया, फ्लड फिल वाले ने कहा तेल लेने गया बाउंड्री का कलर जो मर्जी करो बाउंड्री में, मुझे मतलब तो अंदर वाले पिक्सल से है। ठीक है, उसने ये सोचा कि पहले उसने क्या कॉन्सेप्ट सोचा कि जब ये बना था, जो पिक्सल स्क्रीन थी मेरी पूरी रास्टर स्क्रीन थी, उस टाइम तो सारा कलर एक ही होता होगा, व्हाइट या ब्लैक जो भी वो इंटरनली यूज करते हैं, मुझे नहीं पता, वो तो एक ही कलर का होता था। उसके बाद ही तो कोई पॉलीगन बना है ना, जो बनाया हमने, ठीक है, तो उसने सोचा कि मुझे जो कलर करना है उसको उसने नाम दिया न्यू कलर, कि भाई मुझे जिसको फिल करना है, मुझे अगर इसको यहाँ पे फिल करना, तो उसका नाम दे दिया न्यू कलर। ओके, चेक किससे करेंगे, चेक भी तो कराना पड़ेगा कि ये भाई जो मुझे भरना है वो तो नहीं है, तो कह रहा चेक करो ओल्ड कलर से, उसने एक कलर का नाम दिया ओल्ड कलर, उसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, चाहे वो स्क्रीन के खाली पिक्सल की वैल्यू है, कुछ भी हो, वो कहेगा कि यहां पे आया, क्या इसका कलर ओल्ड कलर है, हाँ इसका कलर ओल्ड कलर है, तो भाई ये खाली है, इसको अब किससे भरना है मुझे, न्यू कलर से फिल कर दो, कर दिया। यहां पे आया, क्या इसका ओल्ड कलर है, नहीं है, इसका कलर कौन सा है, जिससे मुझे फिल करना था, भाई यहाँ पे तो फिल नहीं करना, तो बाउंड्री वाला किस्सा ही खत्म हो गया कि चाह के चेक कर लो भाई पर्पल कलर करना है, ये पर्पल कलर का, तो क्या मैं पर्पल कलर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर इस पूरे के अंदर रेड करना है तो क्या मैं बाउंड्री के हिसाब से तो नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि बाउंड्री फिल वाला क्या कहता है,
जो आपका बाउंड्री का कलर होगा उसके अलावा ही आप कोई दूसरे कलर कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। बट इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया कि आपका बाउंड्री का कलर कोई भी हो, अंदर एक कलर कोई भी कर सकते हो, सही है ना बात। तो बाउंड्री पे चाहे लाल पीला नीला हरा मल्टी कलर हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बाउंड्री वाला कलर भी कर सकते हो, समझ गए बात। तो कॉन्सेप्ट सारा वही है जो मैंने आपको स्टैक करवाई थी, सारा वही मेथड है। बस एल्गोरिथम मैं आपको कराऊंगा, देखो फोर कनेक्टेड करोगे तो ये चार पिक्सल की इन्फॉर्मेशन देनी है, एट कनेक्टेड करोगे तो ये आठ पिक्सल की इन्फॉर्मेशन देनी है। पिछला वीडियो किया होगा तो पता चल जाएगा। ओके अब चलो आगे, एल्गोरिथम काम कैसे करेगा। फ्लड फिल एक फंक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ओल्ड कलर क्या है न्यू कलर क्या है उसको डाला मैंने, ठीक है जी। अब अगर वो ये कहता है कि भाई देखो मैं आपको बताता हूं कि ओल्ड कलर मतलब पहले वाला कलर, न्यू कलर जो मुझे करना है। इफ गेट पिक्सल एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ओल्ड सी मतलब कलर, अगर गेट पिक्सल के अंदर एक्स वाई जो मैंने भेजा, जो मैंने पिक्सल चूज किया कलर करने के लिए, वो अगर उसका कलर ओल्ड कलर है तो गेट पिक्सल क्या करता है, गेट पिक्सल इंफॉर्मेशन लेता है उस पिक्सल के कलर की, याद रखना लिख लो क्योंकि मेरे पे इतनी जगह नहीं थी। गेट पिक्सल आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो पिक्सल आपने सेलेक्ट किया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे उस पिक्सल का कलर क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इफ अगर गेट पिक्सल एक्स वाई इसके अंदर जो कलर की इन्फॉर्मेशन है सपोज कर लो, क्या वो ओल्ड कलर के इक्वल है, मतलब खाली जगह है, ओल्ड कलर मतलब पहले वाला कलर है, जी हाँ बिल्कुल है। सपोज कर लो मैंने ये बात कही तो इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये खाली कलर है, जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या करना है, पुट पिक्सल, पुट पिक्सल क्या करेगा, एक्स वाई न्यू सी जो ऊपर कोऑर्डिनेट है खाली मिला मुझे, उसको क्या करेगा न्यू कलर दे देगा, न्यू कलर जो मुझे भरना है, जो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पुट पिक्सल इस कोऑर्डिनेट पे न्यू पिक्स न्यू कलर को डाल देगा। सपोज करो मैंने डिसाइड किया भाई इसके अंदर मुझे पर्पल कलर करना है, ठीक है जी। मैं सपोज कर लो यहाँ पे मान लो अब तो ग्रीन हो गया कोई बात नहीं, मुझे मान लो पर्पल कलर से सारा भरना था, भर दिया एक भर दिया, उसके बाद क्या होगा, फ्लड ये अपने आठ पिक्सल की इन्फॉर्मेशन देगा, जो मैं आठ कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम की, आठ पिक्सल की इन्फॉर्मेशन देगा आजू बाजू की इसकी, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी और एक एक करते हुए ये सारे के सारे क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। ओके जी, तो ये एल्गोरिथम आपके पास आता है। अगर डिफरेंस आ जाए तो आपको क्या लिखना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर मेरा कुछ हुआ तो मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा। ये सारे ग्रीन नहीं है, ये पर्पल करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि पहले की फिगर थी मैंने वही यूज की है, बहुत टाइम लग जाता मेरा इस वजह से। ये सारे इसने पर्पल कर दिए, भर दिया इसने, ठीक है। अब देखो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, बाउंड्री कलर बाउंड्री फिल्म में, और अगर आपके पास फ्लड फिल्म है तो सबसे पहला चीज बाउंड्री फिल्म के अंदर क्या चीज चेक होता, जो भी हम पिक्सल सिलेक्ट करते थे वहां पे दो चीजें चेक होती थी कि जो मुझे कलर करना है क्या वो पिक्सल का कलर वो है, यानी फिल कलर वो है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या चेक होती थी कि उसका बाउंड्री का कलर उस पिक्सल के कलर के बराबर तो नहीं है। ये दोनों चीजें चेक होने के बाद मेरा आगे इन्फॉर्मेशन जाती थी पिक्सल की कलरिंग के लिए, ठीक है। फोर कनेक्टेड की बात करेंगे, एट कनेक्टेड तो कॉन्सेप्ट सेम है। फ्लड फिल्म में क्या हुआ कि भाई आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, हम सिर्फ पिक्सल की इन्फॉर्मेशन लेते कि इसका कलर क्या जो पुराना कलर हमने सेट किया हुआ उसके इक्वल है या नहीं है, बस बाउंड्री कलर से कोई मतलब नहीं है। वो होगा तो हम कलर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर उसका कलर ऑलरेडी ही पर्पल होगा, यानी मुझे पर्पल करना है, वो न्यू कलर हो गया। अगर ऑलरेडी ही पर्पल है तो फिर भाई मैं फालतू में उसमें क्यों रंग भरता फिर, क्योंकि रंग भरूंगा दोबारा से तो मुझे आठ पिक्सल की इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी, मेरा स्टैक तो यूं ही का यूं ही का यूं ही घूमता रह जाएगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है बाउंड्री फिल्म में कि जो बाउंड्री का कलर है मान लो, तो आप उसमें वो कलर नहीं कर सकते अंदर। अगर ये बाउंड्री मेरी काली होती ना पूरी, तो उसके अंदर आप काला नहीं कर पाते, ठीक है। बट फ्लड फिल्म ने ये कहा कि कोई बात नहीं, आपकी अगर बाउंड्री एक रंग की भी है, मान लो अभी अगर एक रंग की भी है तब भी मैं कर सकता हूँ, अगर मल्टी कलर की है मैं तब भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाउंड्री कलर से वो पंगे लेता ही है कि जैसा है तू पढ़ा रहा है, मुझे मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो ओल्ड कलर न्यू कलर पे चलता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई फालतू डिफरेंस नहीं है। एल्गोरिथम बिल्कुल डिट्टो चेप दो, बस यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इसको पकड़ लेना, काम हो गया। यहाँ पे हमें ना ओल्ड कलर एंड न्यू कलर सेट करना पड़ेगा, ऐसी जैसे बैकग्राउंड कलर एंड फिल कलर सेट करना पड़ता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कोडिंग में अगर आप करोगे एल्गोरिथम या कोडिंग करोगे कंप्यूटर में,
तो आपको सेट करना पड़ेगा पिक्सल पोजीशन जो भी होगी, कलर की वो डालनी पड़ेगी। हो गया भाई, फ्लड फिल आपका हो गया। एक बार मैं जरा चेक कर लूँ वीडियो में धुंधलाहट तो नहीं आ गई है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को, कई बार बीच में धुंधला सा हो जाता है चलते चलते। ये चीज़ हो गई है, तो अब आपको करनी क्या है मैं आपको दोबारा बता दूँ। आपके पास क्या होता है, देखो जो बाउंड्री, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि एरिया फिलिंग के अंदर बाउंड्री फिल एल्गोरिथम बताओ। ये आपके पास 5 से 10 नंबर में आएगा, डायग्राम बना देना, एल्गोरिथम लिख देना, फालतू 4 कनेक्टेड 8 कनेक्टेड पे जाने की जरूरत नहीं है, 8 कनेक्टेड का बना देना सीधा, ठीक है जी। 5 से 10 नंबर हो गए। फ्लड फिल का आएगा, ये भी सेम 5 से 10 नंबर में आता है। ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जिनके पेपर 100 मार्क्स के या 120 मार्क्स के होते हैं तो वहाँ पे 5 से 10 नंबर में आता है, और जिनके पेपर भैया होते ही 60 या 75 नंबर के तो वहाँ पे ये 2 से 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम जरूर लिख के आना, क्योंकि एल्गोरिथम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा डायग्राम एल्गोरिथम। और साथ में साथ कई बार क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीगन फिलिंग एंड बाउंड्री फिलिंग एंड फ्लड फिलिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो बहुत छोटा है, वो अराउंड 2 से किसी के पास 3 नंबर में आता है। बट ये लगा लो कि सब्जी के साथ जैसे धनिया डालना पड़ता है ना, तो ये वही क्वेश्चन है कि कोई बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर में आएगा, उसके साथ ये छोटा क्वेश्चन नीचे चिपका दिया जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बट हाँ छोड़ना नहीं है, ये 5-10 नंबर जिसके लिए होंगे बहुत बड़ी चीज़ है भैया। छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे छोटे छोटे, बट यही आपको कहाँ तक लेके जाएंगे, 80% तक लेके जाएंगे। और ये आए हैं, मेरे को बच्चों ने बताया है, 80% मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बच्चों ने मुझे बताया कि उनके 90% आए हैं, उनके 120 नंबर आए हैं 1 out of 150। तो ये अब आपके ऊपर है, क्यों आते हैं, क्योंकि वो हर कॉन्सेप्ट को करते हैं, ये 2-2, 4 नंबर के कॉन्सेप्ट को छोड़ते नहीं है, क्योंकि पता है भैया यही उठाएंगे आपको। चलो हो गया भैया सीड फील के अंदर फ्लड फील। अगला अलग एल्गोरिथम जो दूसरी अप्रोच है सीड फील के अलावा, वो है स्कैन लाइन एल्गोरिथम। इसको जरूर कर लेना, पेपर के अंदर आए ना आए, बट एक चीज़ बता दूं, आगे जाके 2nd, 3rd यूनिट में कई बार ये इससे रिलेटेड आपके पास टॉपिक आने वाले हैं, तो आप उसको कर लोगे स्कैन लाइन को, तो आपका भला बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए वो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे, मतलब एक यूनिट मेरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय, जल्दी मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना बच्चों, थैंक यू।